हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब मेरी खुशियों से किसी को इतनी तकलीफ़ कैसे हो सकती है, मुझे समझ ही नहीं आता है। मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने अपना कुकिंग कर रही थी, तो उसमें मैंने बोला कि मैं गोल रोटी बनाने की प्रैक्टिस चलो कर ही लेते हैं, कल को शादी होगी दोबारा तो इस बार हम गोल रोटी, अच्छी अच्छी रोटियाँ बनाए करेंगे, ठीक है। तो मेरी वीडियो के नीचे इतने कॉमेंट्स हर रोज़ का कर रखा है, हर रोज़ का, ठीक है। हम तो तू शादी तो कर देख, हम तेरी ससुराल में जा जाके ऐसे काम करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, देख तेरा घर तो हम बसने नहीं देंगे, मतलब इस तरीके के कमेंट्स, मतलब आप क्या बताऊं मैं, मतलब इतनी खुंदस। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कौन लोग हो सकते हैं जो हर रोज एक बात, मुझे आप ही बता दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूं, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूं यहां पे, कि ये कमेंट्स कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। आप लोगों से, आप, मैं अपनी जनता से पूछती हूँ, ठीक है, आप लोग जो हो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपसे मैं पूछती हूँ कि कौन ऐसा इंसान हो सकते हैं जो हर रोज ही एक नया अकाउंट बनाए, हर रोज ही नया अकाउंट बनाए, मैं वो अकाउंट डिलीट करूँ, ब्लॉक करूँ, उसके बाद अगले दिन फिर अकाउंट बनाए और उसके बाद ओपनली चीजें ऐसी ऐसी मेरे को बोले। आप बताइएगा कि हम तेरा घर दोबारा बसने नहीं देंगे, हम तुम्हारा घर उजाड़ेंगे, देख लेंगे कैसे शादी, हम तेरी शादी नहीं होने देंगे दूसरी। अभी कमेंट आ रहे हैं, अभी आप सुनिएगा, तेरे पापा ऐसे हैं, तेरे पापा तो मुर्गी फार्म में ये थे वो थे, तू ऐसी थी, मतलब मेरे कैरेक्टर के ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स कभी कहीं कहीं जाके करे जा रहे हैं, कभी कहीं, क्योंकि मेरी 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 पब्लिक को पता है मैं कैसी हूँ, आपके सामने हूँ, 2-2.5 साल हो गए हैं मुझे यूट्यूब पे, कि क्या है क्या नहीं। ये सब किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मेरी आगे लाइफ ख़राब हो, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी आगे ख़राब हो। अगर मैं लाइफ में अपना दोबारा घर बसाना चाहूँ तो वहाँ पर परेशानियाँ खड़ी करने की अब पूरी कोशिश लगा रखी है, पूरा जोर लगा रखा है। मेरी वीडियोस के नीचे जा जाके ऐसे ऐसे घटिया कमेंट्स फेक आईडी बना बना के करते हैं, बोलेंगे ये तो पीजी में ये करती थी, पीजी में वो करती थी, ये तो ऐसे, ये तो 100 रुपये में करती थी, ये 200 रुपये में करती थी, मतलब इस तरीके के कमेंट्स करते हैं। क्यों भाई, पता है क्यों करते हैं जा जाके? क्योंकि देखो भाई, मेरा चैनल बड़ा है, आप समझिए उस चीज़ को, 1900-2000 वीडियोज़ हैं, मैं कौन कौन से चैनल पे कौन कौन से कमेंट्स जा जाके मैं कितना छांटूँ, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है ना, आप सोचिए, है ना, कि मैं हर जाके हर वीडियो के कॉमेंट्स उठा उठा के पढ़ूँ, उनको उनको डिलीट करूँ, पुरानी वीडियोज़ के कॉमेंट डिलीट करूँ, ये करूँ वो करूँ, इतना नहीं होता है। देखिए पूरा कैसे, इतना कैसे करूँ मैं, आप ही बताइए, है ना। और जान बूझ के जा जाके कॉमेंट्स कर रहे हैं क्योंकि देखिए उनको भी पता है, हमको भी है कि ना, कल को निधि की दोबारा अगर शादी होगी तो कोई भी होगा उसको मैं अपना चैनल का नाम तो बताऊंगी, चैनल के बारे में भी बताऊंगी, और चैनल पे वीडियोस मेरी बहुत नॉर्मल है, बहुत अच्छी वीडियोस हैं, ठीक है, सिंपल है, लोग कोई भी देखेगा उसको यही लगेगा कि लड़की ने स्ट्रगल किया है, पति के डेथ के बाद भी इतना बुरा उसके साथ किया गया हुआ, उसके बावजूद भी उठी है, हिम्मत करके खड़ी हुई है, मेहनत करी है, अपना घर बनाया है, बच्चा पाल रही है, अपने दम पे पाल रही है, अच्छा अच्छा ही दिखेगा सब कुछ। तो यहाँ पे कमेंट करने जानबूझ के आते हैं इस तरीके के, ताकि कोई और बंदा, अगर कल को मैं अपना चैनल का आईडी तो मैं दूंगी ना, कोई भी बंदा होगा जिससे मैं कल को शादी करूंगी, मैं कहूंगी देखो मैं ये काम करती हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, तो वो बंदा कम मेरी वीडियोस तो देखेगा, है ना, मेरी वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट्स भी पढ़ेगा, है ना, कि कॉमेंट्स में लोग क्या कह रहे हैं। तो इंटेंशनली जानबूझ के इस तरीके के गंदे गंदे कॉमेंट, कैरेक्टर के ऊपर उल्टा सीधा बोलना या ये बातें बोलना, धमकियाँ देना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरीके के कमेंट्स इन जानबूझ के किए जा रहे हैं बार बार। एक बार बताइए, मैं आज डिलीट करा, मैंने कल डिलीट किया, परसों डिलीट किया, फिर नेक्स्ट डे फिर से आ रहा है वही कमेंट, और हर बार नई आईडी बना बना के, क्यों, क्योंकि आईडी बनाने में कितना टाइम लगता है आप सोचिए, है ना, यूट्यूब पे अकाउंट क्रिएट करने में। इतनी खुंदस, इतनी चिढ़, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किनको हो सकती है मुझसे, कौन ऐसा हो सकता है जिसको, जो मेरा घर बसता हुआ देख के सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किन लोगों को होगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगर फलूंगी ज़िंदगी में, मैं ऊपर उठूंगी, तो मेरे ऊपर उठने से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किन किसको हो सकती है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन ऐसा मेरे साथ बार 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 कर रहा है, है ना। हम तो किसी को नहीं बोल रहे कि ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन आप ही बता दीजिए जो वीडियो देख रहे हैं कि कौन ऐसे लोग होंगे जो बार बार निधि को बार बार परेशान कर रहे हैं, कौन हो सकता है ना।
आप ही बताइए मुझे, जो यहाँ तक धमकियाँ दे रहा है कि हम तेरे ससुराल का वहाँ करेंगे, मतलब इस लेवल तक सोच के देखिए, किस लेवल तक मुझे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है ना, कि इस लड़की को बर्बाद कर दो, इस लड़की को ऐसा बना दो, ऐसा इसकी इमेज बना दो कमेंट में, ऐसा ऐसा लिख लिख के, ताकि कल को इसका घर दोबारा से ना बसे, इसकी दोबारा कहीं शादी ना हो, इसका दोबारा से कोई इसके साथ मतलब जिंदगी अच्छी ना बिता पाए। तो इस तरीके की चीज़ें कमेंट में जा जा के करो, ऐसा कहीं कहीं जा जा के करो, या ऐसी वीडियोस बनवाओ मेरे ऊपर, ताकि लोग, क्योंकि देखिए मेरा चैनल कोई भी सर्च करेगा तो 10 और लोगों की वीडियो सर्च में आती ही है, जो भी किसी का हैशटैग यूज़ करता है उसकी वीडियोज़ आती है। मुझे लोग कहते हैं कि हम आपकी वीडियो खोलते हैं, कहीं पता नहीं कौन कौन किस किस की वीडियो खुल जाती है और उसमें आपके बारे में पता नहीं कौन क्या बोल रहा होता है। तो आप मुझे बता दीजिए, ये सब चीज़ें आप ही बताइए कौन कर सकता है। ये परांठा, और ये पापा जी के लिए बना दिया है, विहान के लिए बना दिया, एक परांठा दही के साथ खिला दूंगी। पापा जी के लिए सब्जी रखी हुई है आलू की, इसके साथ खिला दूंगी पापा जी को। गैस कर देते हैं हम बंद। आप पता है क्या होता है, देखिए मैं मेरी वीडियो सुबह चली गई, उसके बाद मैं कमेंट्स आपको बता रखा है कि मैं रात को पढ़ती हूँ बैठ के, या टाइम मिलता है शाम को देखती हूँ, तो तब तक ना लोग क्या करते हैं कमेंट लिख दिया जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे तरीके के फेक आईडी बना बना के, और बार बार देखिए वो ही आईडी थी। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जो आईडी को मैंने आज ब्लॉक किया है ना, जिसने मुझे ये बात बोली है कि मैं हम तेरा दोबारा घर बसने नहीं देंगे, देख तू तेरा ससुराल में भी ये काम करेंगे वो करेंगे, तेरे ससुराल में आके खड़े होंगे दोबारा, तो ये बात ना जिस आईडी ने किया ना कमेंट, उसी आईडी ने मुझे अभी कुछ दिन पहले ये कमेंट किए थे कि आपके ना देवर के तो लड़का हो चुका है, उसके तो बच्चा हो चुका है, बिल्कुल सन्नी की तरह दिखता है, हमें उन सब कुछ मिल चुका है, हम तो वहां उसके ये हैं वो लगते हैं, हम तो रिश्तेदार लगते हैं, हमने सोच आपको नहीं बुलाया क्या, फिर मतलब कमेंट किया हुआ था, वो सेम आईडी थी, मैंने उस टाइम ब्लॉक नहीं किया था, मुझे लगा चलो कोई जनरल बंदा होगा है ना इस टाइप का कमेंट कर रहा है, तो उसने ये बात बोली कि हम ना आपके जो घर थे ना, मतलब वहां वाले आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं और उनके ये चीज हुई है, आपको बुलाया या नहीं बुलाया, पहले तो ये कमेंट कर दिया ठीक है। उसके बाद आज मेरे को 2 दिन बाद वही आईडी कमेंट कर दिया कि देख तू, क्योंकि आज की वीडियो में मेरा शादी वाला टॉपिक चल रहा था ठीक है, थोड़ा सा कि हाँ मैं दूसरी शादी में अपना रोटियां गोल बनाऊंगी ऐसा कुछ, तो कमेंट कर रहे हैं कि हाँ तू कर, हम देख लेंगे, तेरा होने ही नहीं देंगे हम, कौन कर लेगा तेरे से शादी, एक बच्चे के माँ के साथ कौन शादी कर लेगा, देखिए शादी सबकी हो जाती है ठीक है, जो ये कमेंट कर रहे हैं कि एक बच्चे की, एक बच्चे छोड़ो 2 बच्चे हो उसकी भी शादी हो जाती है, 4 बच्चे हो उसकी भी शादी होती है, शादी शादी या नहीं रुकती किसी की ठीक है, अगर मेरे मन में अगर जब तक रुकती है शादी, जब तक आपके मन में ना हो कि आपको करनी नहीं ठीक है, जब अगर आपने सोच लिया कि आपको करनी है आपको घर बसाना है तो हो जाती है शादियां ठीक है, इसमें वो चीज की बच्चे वाली की शादियां नहीं होती, दुनिया की होती है, बच्चों वालों की भी शादियां होती है ठीक है, और मैं मेरे को जिंदगी से क्या चाहिए मैं क्रिस्टल क्लियर हूं उस चीज में ठीक है, और मुझे वो चीज मैं ढूंढ लूंगी ठीक है, मैं अपने आप ढूंढ लूंगी जो चीजें मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, जो मुझे लेकर आनी है अपनी जिंदगी में ठीक है। और देखिए एक बात और मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे, मैंने ना आज से 1 साल पहले 6 महीने पहले कुछ वीडियोस देखी थी किसी यूट्यूबर की, उसने बताया था कि उन मतलब एक यूट्यूबर थे, उनका तलाक तक की नौबत आ चुकी है, मतलब तलाक वगैरह चल रहा है, तो उन्होंने बताया था कि उनका एक एक्स था, मतलब एक्स बॉयफ्रेंड था, उसने ये बात बोली थी कि हम तेरा घर बसने नहीं देंगे, मतलब देख मतलब वो चीज, और उसने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया उस लड़की को जिसकी नई नई शादी हुई थी, कि उनका आखिर में तलाक वाली नौबत आ गई। कैसे मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ पे यूट्यूब पे पता है क्या करते हैं लोग, जैसे मान लो मैंने शादी कर ली ठीक है, मैंने सोचा चलो मैं घर बसाऊंगी और मैं अपना शादी करूंगी, मैंने अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस करवाया वीडियोज में कि देखो ये मेरे हस्बैंड है होने वाले या जो भी है, उसकी फोटो को उठा के किसी घोड़े के ऊपर लगा देंगे छाप देंगे, किसी ऊंट के ऊपर छाप देंगे और कार्टून्स बना देंगे, ये है वो है, गंदे गंदे नाम रख देंगे उसका, क्योंकि ये चीजें मैंने फेस करी हैं, मैंने ये चीजें तक फेस करी है, मुझे ना जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना तो मुझे पता था, देखो जो सेकंड पार्टी थी उसने मुझे परेशान करने में कोई हद नहीं छोड़ी ठीक है, मुझे परेशान करने के लिए मेरी फोटो उठाते थे और पता नहीं किसी किसी जानवर के ऊपर लगा के उल्टा सीधा बोल देते थे, ये देख ऐसी है वैसी है ये है वो है ना,
तो मुझे पता है इस तरीके इस लेवल तक चीजें होती हैं कि उस फोटोज तक को खराब कर देते हैं, उसके बाद उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, इस तरीके की चीजें यहाँ मतलब परेशान करने के लिए, किसी का रिश्ता तोड़ने के लिए। क्योंकि देखो जब मैं यूट्यूब पर आई थी ना, इन चीजों का मुझे बहुत फर्क पड़ता था, ठीक है, बहुत बुरा लगता था। एक साल डेढ़ साल तक मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे को लगता है मैं बहुत रोती भी थी देखे कि देखो मेरे साथ मेरी फोटो को क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। डेढ़ साल लगा मुझे उस पॉइंट पे आने के लिए जब लगा कि फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, ठीक है। तो मैं भी ये चीज सोच के चलती हूँ कि कल को मैंने अगर दूसरी शादी कर ली, उसके बाद सामने वाला इंसान को उसका लेवल क्या होगा, उसको कितना फर्क पड़ेगा इन चीजों का, क्या उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा या बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा तो मेरा रिश्ता उसके साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा चलना, समझते हो। रिलेशनशिप में बिना काम का तनाव टेंशन आएंगी, है ना, किसी को नहीं पसंद हो। और अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता तो बात अलग है। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर हूं तो हर चीज होता नहीं कि हर चीज हम कांटों पे चल रहे हैं, समझ नहीं आता। कांटे भी हैं फूल भी हैं, है ना, आपका पैर कब किस कांटे पे पड़ जाए कह नहीं सकते, तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। हाँ, और हेटर्स तो मिलते ही रहते हैं, क्या करें, है ना उनका। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये किन लोग किसका काम हो सकता है, कौन हो सकता है जो इस लेवल तक पर्सनल जा सकता है। चलिए जी, इस वीडियो का मैं ही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।